फतेहपुर रेशम माजरी में दिन दहाड़े खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बेखौफ खनन माफियाओं को शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है, या यूं कहें अधिकारियों की मिली भगत से ये कानून की आंखों में धूल झोंक कर ये दिन रात राजस्व की चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों से बात करने पर पता चला कि दिन हो या रात हो, फतेहपुर में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन से रात को उनकी नींद भी खराब हो जाती है। अवैध खनन के वाहन सड़कों पर इतनी तेजी से चलते हैं कि दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। अवैध खनन माफिया इतने बेलगाम हो चुके हैं कि ना ही उन्हें पुलिस का डर है, ना खनन अधिकारी का और ना ही प्रशासन का। जहां ये अवैध खनन चल रहा है, यहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही लाल टप्पर चौकी है, लेकिन सिस्टम अवैध खनन नहीं रोक पा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि राजस्व की चोरी होना कब बंद होगी? इस बारे में संबंधित अधिकारी मीडिया से बच रहे हैं, जो जाहिर करता है कि अवैध खनन में सबकी हिस्सेदारी है। विंध्य क्षेत्र के लिए सालों से लड़ाई लड़ रहे नारायण त्रिपाठी अब भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। नारायण त्रिपाठी भाजपा में रहकर भी भाजपा से अलग ही चाल चल रहे थे, इसलिए भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। नारायण त्रिपाठी ने विंध्य विकास पार्टी का गठन किया है। वे खुद और उनसे जुड़े लोग अब इस नई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जैसे जिलों की विधानसभा सीटों पर नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी बीजेपी को चुनौती देगी। लगातार मुद्दे उठाया हूँ, लगातार चिट्ठियां लिखा हूँ, इसलिए मुझे बागी और बगावत वालों की संज्ञा दी गई है। मैं हमेशा क्वेश्चन किया हूँ कि किसान को खाद नहीं मिल रहा, किसान को बीज नहीं मिल रहा, किसान को बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, तो ये तमाम मुद्दे उठाते उठाते ही बागी बना हूँ। मेरा आप चुनाव लड़ना भर उद्देश्य नहीं है, चुनाव लड़ने वाले लोग अपने अपने क्षेत्र में भटक रहे हैं और मैं आज अभी भोपाल में बैठकर पूरे बिंद के प्रत्याशियों की तलाश में यहाँ बैठा हूँ और 27 तारीख को आपको सूची जारी करूँगा कि कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो विधायक बनना भर सपना नहीं है, अब सपना है कि बिंद का पुनर्निर्माण कैसे हो, हमारे बिंद के जो व्यापारी भाई हैं, किसान हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, उनका कल्याण कैसे हो। और बिंद जनता पार्टी जो राजनीतिक दल नहीं, ये भावनात्मक आपका दल है, उसको आशीर्वाद दें। नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी से विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार के 18 साल में विंध्य का कोई विकास नहीं हुआ। विंध्य विकास पार्टी विंध्य के विकास के लिए कार्य करेगी। विंध्य जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2 माह पहले हो चुका, सिंबल 15-20 दिन पहले मिल चुका, पर अधिकृत रूप में चुनाव लड़ने की पात्रता हमें 4 दिन पहले मिल पाई है। बिंद का पुनर्निर्माण हमारा पहला मकसद है, बिंद बनना चाहिए। बिंद के लोगों के साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ, धोखा करके उसका विलय किया गया और बिंद पूरी तरह उपेक्षित है। यदि आप 30 से 40 सीट लड़ाएंगे, 4 दिन के अंदर क्या क्या कर डालें, अब ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए एक बिंद का आशीर्वाद कहलाएगा। परासिया विधानसभा में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने रोड शो किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि भी शामिल रहे। जगह जगह लोगों ने रोड शो का स्वागत किया। वहीं नकुलनाथ ने बताया कि 27 तारीख को प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि का नामांकन भरा जाएगा और छिंदवाड़ा जिले में विकास की लहर लाई जाएगी। नकुलनाथ ने कांग्रेस को जिताने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र में दिए गए हर वचन को पूरा करेगी। क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं जिनसे हमारे लोग जूझ रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन जिन चीज़ों को पा नहीं पा रही है, उसकी तरफ से हम लोगों ने माननीय सोहन भैया के नेतृत्व में माननीय सांसद महोदय को, कमलनाथ जी को हमने ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया है। उन्होंने हम सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो रोड सहित लगभग सभी समस्याओं का निराकरण का प्रयास करूँगा। परासिया विधानसभा में लगभग 16-17 कवर कर रहा हूँ। मैंने शुरू किया था पलटवाड़ा से और ख़त्म करूँगा बुखार से, और आज मैंने बैठ सड़क की हालत देखी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। सिंगरौली विधानसभा से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में रेणु शाह ने अपने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय से शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना पर्चा दाखिल किया।
सिंगरौली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, यहां से भाजपा के रामनिवास शाह और आपकी रानी अग्रवाल मैदान में है। मैयर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई के चुनावी कार्यकाल का शुभारंभ सतना कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी घई ने कहा कि हम सबको मिलकर ये लड़ाई जीतनी है। अभी तक भाजपा की सरकार ने झूठे वादे कर जनता को धोखा दिया है, जिसके कारण आज आम नागरिक परेशान है। कांग्रेस ने हम पर भरोसा कर चुनाव मैदान में भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लड़ने का मौका दिया है। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये हम सब गरीबों की लड़ाई है, जिसे हर हाल में जीतना है। बदलाव के लिए मैयर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता तैयार हो चुकी है। मामा और नाना ने जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ आज हर वर्ग, हर मतदाता कहीं ना कहीं प्रेरित है। आज किसान भाई परेशान है, आज आदिवासी भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, आज हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैहर के साथ साथ पूरी मध्य प्रदेश की जनता देगी और बदलाव करके इस बार मैहर से कांग्रेस का विधायक बनेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमता की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।